एक अच्छी बात हमने कल की और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी तीनों मेयर कमिश्नर हर्षवर्धन जी यूडीके और मिनिस्टर हम बुलाकर एक कार्यक्रम तय करने वाले हैं। ये यमुना का तो मैंने गंगा नमामि गंगे में पूरा काम मेरे पास है, ये तो हम वाटर पोल्यूशन का कर रहे हैं। अब मैंने ये ध्यान में आया कि ये जो मिट्टी है रोड पर ये पोल्यूशन करती है और जब वो CO2 निकलता है तो मिट्टी उसमें मिलकर वो पार्टिकल का वजन बढ़ता है और उससे दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। मैं लंदन में था तो एक परिवार मेरे सामने आया, हमने दिल्ली के टिकट कैंसिल कर दिया, हम नहीं आएंगे दिल्ली। अब वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि ये एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कितना कठिन है। तो अब हम ये कर रहे हैं कि पूरे रोड को 3 दिन में वैक्यूम क्लीनिंग सिस्टम से पूरी मड़ को उठाकर साफ करेंगे। और दूसरा एक कार्यक्रम मैं हम सब संस्थाओं को देंगे कि जहां जिनके रोड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के है, दिल्ली गवर्नमेंट के है, NHAI के है, UD के है, DDA के, हम उसमें रोड के बाजू में एक तो कॉन्क्रीट ब्लॉक्स लगाएंगे या लॉन तैयार करेंगे ताकि मिट्टी रोड पर ना आए। और मैं दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट को मैंने कहा कि दिल्ली के आजू बाजू के कंस्ट्रक्शन में आप प्री कास्ट, फैक्ट्री में दीवारें तैयार होगी वो लाओ, प्री कास्ट मैंडेटरी करो। और मैं हमारे डिपार्टमेंट की ओर से एक नोट मूव कर रहा हूं UD और सबके सहयोग से कि अब प्री कास्ट ही होगा, ये रेत लाना सीमेंट लाना बंद करो। और दूसरी अच्छी बात, ये जो दिल्ली के आजू बाजू में सहारनपुर हरियाणा में जो परली जलाते थे जो आपको पता है, अब पॉलिसी पास हो गई 15-20 दिन पहले कैबिनेट में, सेकंड जेनरेशन इथेनॉल, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, परली, बांबू, म्यूनिसिपल वेस्ट से अब इथेनॉल बनेगा। तो ये कारण परली भी जलेगी नहीं। अब ये गाजीपुर की जो कचरे की टेकरियां हैं इसको एक कल्चर मारकर उसका वॉल्यूम कम करना और फिर उसमें से ग्लास, मेटल और प्लास्टिक सेग्रीगेट करके जो कचरा आएगा उसका ऑर्गेनिक खाद तैयार करेंगे। और उसके बारे में भी एक टेक्नोलॉजी लाकर मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पीछे लगा हूं। मुझे लगता है ये 3-4 बातें अगर होगी तो आज दिल्ली का जो पोल्यूशन है आज उससे एकदम काफी बड़ा परिणाम दिल्ली पर होगा और दिल्ली को जल प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से आने वाले कम से कम 6-8 महीने में एक काफी रिमार्केबल परिणाम आएगा। और ये मैंने मिशन मोड में काम स्वीकार किया। हरियाणा की सरकार जो एक रोड बना रही है वो भी रोड अभी इसका आगे का पार्ट है, वो भी 1-1.5 महीने में मुख्यमंत्री जी का वो पूरे करेंगे। और एक हमारे एक 8 लेन का रोड में मुकरदमा चौक करके कोई है यहाँ, उससे भी सोनीपत की तरफ जाता है, वो भी हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। तो इससे दिल्ली के काफी जो प्रदूषण करने वाले ऐसे पॉइंट्स हैं उसमें सुधार होगा।